हमारे इस द स्टार गेजर ऑफ इंडिया के सेट पे, और जैसा कि हम इसका जब मुहूर्त किया था तब भी आप सभी हम लोगों के साथ थे, और आज हम लोग इस शो को रन करते हुए करीब 2.5 महीना हो चुका है। एवरी सैटरडे संडे 3:30 बजे आप इसे इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, और इसी क्रम में हम धीरे धीरे तरक्की करते जा रहे हैं। तो आज मुंबई हम लोगों का थर्ड शूटिंग शेड्यूल है इस शो का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने चेहरे, शोबिज़ की दुनिया के एक बड़े चेहरे, मिस्टर विकास कलंत्री हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए। इसके लिए मैं इनका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनसे इस शो से रिलेटेड कर सकते हैं। विकास जी, क्या देखने लगा? और भी कई शो में गए होंगे, किसी कार्यक्रम में गए होंगे, ये और वो शो क्या देखने लगा? आई थिंक मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा। आई थिंक जो दुष्यंत जी का प्यार है एंड जो पूरा एक प्रॉम्प्टनेस है, और जो पूरा मतलब एक शो को कंडक्ट करने का जो माहौल था, एक बहुत फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर लगा। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये स्टार गेजर्स के शो पे आके, और वो माहौल हर शो में मिलता नहीं। मतलब आप एक शो पे जाते हो, फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप मतलब अपने क्वेश्चन आंसर करके आप निकल जाते हो, ये जो एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक उनको पहले से ही बोला गया था सब अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में, तो उन्होंने सब अच्छी अच्छी पॉजिटिव, कुछ कम लोग होते हैं इनके जिनमें कि पॉजिटिव ही बहुत ज़्यादा होती हैं, तो विकास इज वन ऑफ देम। आई थिंक पुखराज तो उन्होंने बोला अच्छा है, और उन्होंने मुझे कुछ बोला एक मोती पहनने के लिए, तो आई डेफिनेटली मैं मतलब उसके बारे में ध्यान करूँगा, और अगर कुछ अच्छा होता है तो आई एम श्योर। आई थिंक स्टोन्स में बहुत पावर होता है, तो 100% जो रितु जी ने बोला है मैं उस पर ध्यान रखूँगा। आई थिंक एक साइंस है, साइंस को मानना, अगर कोई नहीं मानता है तो मतलब झूठ ही बोल रहा है। साइंस एक साइंस है, हर किसी का एक विजुअल स्ट्रेंथ है, तो आई थिंक उसको मानना चाहिए। हम जो इंडिया में हैं, आई थिंक साइंस की वजह से ही ये चल रहा है। तो प्रश्नों की बात करें, दुष्यंत जी ने कोई कठिन प्रश्न पूछे आपसे जिसके आप? नहीं लगता है ना मेकर इनके, ये तो इतना कठिन गोल्ड अवार्ड्स, उससे कठिन और जो एवरेस्ट पे चढ़ गए तो उनके लिए छोटे छोटे पहाड़ तो मुझे नहीं नहीं वेरी नाइस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक जो शो का एक माहौल था, आई थिंक वो भी एक बहुत पॉजिटिव माहौल है, तो आई थिंक उसमें पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो क्या चाहूँगा, मैं तो कहना चाहूँगा कि आप ऐसी फैमिली जैसे एटमॉस्फेयर रखिए, और आपकी शो की और तरक्की होते जाए, हमें फिर से बुलाइए। और आप कुछ कहना चाहेंगे दादा? ये दर्शकों, ये आप ही का प्यार है कि जो कि हमारे शो में डे बाय डे इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं इंडस्ट्री के, और कहते हैं कि कलाकार जो है वो दिल से राजा होते हैं, इसीलिए उनको स्टार्स बोला जाता है, और इनका प्यार, इनका इतना विश्वास हमें मिलता है, उसके लिए एक तो मैं हृदय से सभी का शुक्रिया अदा कर सकता। अभी मैं नाम लूँगा तो उतना लामलीला संभव नहीं है, बट इंडस्ट्री के मेरे जितने भी दोस्त हैं या हमारे जो वेल विशर हैं, या मैं नए भी स्टार्स को अप्रोच करता हूँ तो नोबडी सेड नो, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, शो के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगा, अपना प्यार, अपना भरोसा ऐसे हम पे बनाए रखें, और देखते रहिए द स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने अध्यात्म और लाइफस्टाइल दोनों से जोड़ दिया है। जनरली क्या होता है कि स्टार्स आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल पे बात हुई, क्या हुई और वो चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी जो संस्कृति थी, पुराने जो कुछ हमारी मान्यताएं हैं या हमारे जो संस्कार हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोग स्क्रिप्ट में इस तरीके से लाने की कोशिश करते हैं कि बिना असहज हुए, और छोटी छोटी बातों से या छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमारी जो तीनों जनरेशन है, आज की यूथ हो गया, जो हम मिडिल एज के लोग हो गए, और जो पुराने लोग हो गए, उन तीनों को कनेक्ट कर दें। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके इस शो को बनाया था, और अभी तक ये सब ठीक है। कौन कौन कर चुके हो? मैं एक्चुअली अभी इतने उसमें रहता हूँ कि बट मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी जैसे विकास जी के बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति आ रही हैं थोड़ी देर में, हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा आना मेरे प्यार को ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था उनके साथ बैठ के इंटरव्यू करूँगा, तो मैं आई एम अ फैन ऑफ हर, तो वो आ रही हैं। अशोक खोसला जी अभी पहुँचने वाले थोड़ी देर में, चंदना दीक्षित ऑलरेडी मेकअप करा रहे हैं, उससे पहले जो शेड्यूल थे हमारे, जसविंदर नरूड़ा इज देयर, रामशंकर इज देयर, फिर विक्रम रांझा इज देयर, तो इस तरह के जो हमारे वेटरन और जो नए लोग हैं, उन दोनों को ही हम लोग इस शो में आमंत्रित करते हैं, और वो दे आर अ पार्ट ऑफ दिस। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं हम लोगों के इस कवरेज के लिए,
जैसा कि आपको मालूम है, हमारे दो फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन होते हैं साल में। एक है टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स, जो हर साल हम मुंबई में करते हैं, जो कि इंडियन कम्युनिटी को समर्पित है। वैश्विक तौर पे जहाँ जहाँ इंडियंस मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को हम लोग उस समारोह में लेके आएँ और वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करें, उनके जो सदकार हैं उससे लोगों का परिचय कराएं। इसी क्रम में जो सेकंड हमारा जो फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन है, कहें लार्जर देन लाइफ, दैट इज़ अ वर्ल्ड आइकन अवार्ड, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने दुबई से की थी, उसके बाद हम थाईलैंड गए और अब हम उस अवार्ड को लेकर श्रीलंका में हैं। दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के हिज एक्सलेंसी शेख हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। थाईलैंड की हर एक्सलेंसी मामलुंग राजादारा सरी जयंकुरा दुबई में पूरी आनबान शान के साथ मौजूद थी। इसके अलावा एक्स मिस वर्ल्ड जो थाईलैंड से थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी, कमला कंपून आयुथिया। उसके बाद हम जब थाईलैंड गए तो वहाँ पे वर्ल्ड आइकन अवार्ड के सीज़न 2 में हिज एक्सलेंसी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कौन डबरानसी हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा हमारे देश से हमारे उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री ऑनरेबल रीता बघोड़ा जोशी जी ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया उस कार्यक्रम में। श्रीलंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी महिंदा राजपक्षे पूरी आन बान शान के साथ एज ए चीफ गेस्ट मौजूद रहेंगे। और इस अवार्ड की दूसरी खासियत है कि इस अवार्ड के लिए इस बार हम लोगों ने एक ऐसे चेहरे को भी चुना है जो कि वैश्विक तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, प्लस अपने सत्कार्यों के लिए उन्होंने एक अपने जो उनका सोसाइटी को जो उन्होंने पॉजिटिव दिया है, चाहे वो एज एन अ बिजनेसमैन, एज एन अ एजुकेशनल या एज एन अ सोशल वर्कर, हम उसे लाइमलाइट में रखते हुए और वहाँ पे श्रीलंका में 21 जुलाई को हम इस समारोह का भव्य आयोजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका आयोजन BMICS में हो रहा है। जैसे एज एन आर्टिस्ट किसी का भी एक सपना होता है कि मेरा एक शो रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में ज़रूर हो, इसी तरह से हर एक जो शो दुनिया के जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजर, उनका एक सपना रहता है कि मैं श्रीलंका में जाके कोलंबो में और BMICS में ज़रूर मेरा मुझे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिले। तो लकीली मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे अवसर मिला है। That's it. जी, आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड एंड सो प्राउड टू बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड आइकन अवार्ड्स। इसका थर्ड सीजन है और पिछले अवार्ड में मैं इसमें सम्मानित हो चुकी हूँ, मुझे सम्मान दिया जा चुका है। और ये अपने आप में वाकई वर्ल्ड लेवल पर जितने लोगों को इकट्ठा करके दुष्यंत जी ने जिस तरह एक माला में पिरोया है, ये ही अपने आप में पिछली बार देखकर बहुत खुशी महसूस हुई और लगा कि इस तरह का कोई कार्यक्रम अभी हमारे देश में बहुत ही चुनिंदा है जो इस लेवल पर जो कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं। और इस बार जब दुष्यंत जी ने ये मुझे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने का, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं वहाँ पे वर्ल्ड आइकन अवार्ड, जैसा कि श्रीलंका में वहाँ पर हो रहा है, अपने आप में बहुत गर्व की बात है। मैं एक्चुअली अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो मेरा शौक है वो मेरा प्रोफेशन है और मैं बहुत घूमता हूँ अपने कामों के सिलसिले में। तो हम लोगों ने अपने जो रिलेशंस हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना नाम पैदा किया अपना, बड़ा छोटा या जैसा भी, लेकिन मैंने रिलेशंस बहुत कमाए हैं। तो अगर रिलेशन वाइज बात करें तो हम लोग एक वैश्विक तौर पे अपनी एक बहुत अच्छी हम लोग धमक रखते हैं देश विदेशों में। तो और लकीली मुझे अच्छे लोगों के साथ ही काम करने का अवसर प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हों। तो सेम यही वर्ल्ड आइकन अवार्ड के साथ है कि जब हम जैसे इसकी घोषणा करते हैं, एक रूटीन में आ गया है सब कुछ, तो लोगों के एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार हम कुछ गेटवे ही बना रहे हैं जिससे कि सीधे सीधे लोग आवेदन कर सकें थ्रू प्रचार, आप सबके माध्यम से लोगों को जब पता लगेगा कि ये अवार्ड होने जा रहा है, तो ऐसा गेटवे भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो लोग जुड़ते चले जाते हैं और हम लोग उस दिन प्रॉपरली एंटरटेन करते हैं अपने अवार्ड फंक्शन। जी मैं अभी आपका थोड़े से उसके बाद मैं जूरी से परिचय करूंगा, हमारे पास जूरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम की। स्पेशली एक हमारा एक शो ऑन एयर है इंडिया न्यूज़ पे, सुनो पार्थ। तो सुनो पार्थ में अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज एज अ होस्ट हैं,
तो मैंने उन्हीं से ये अनुरोध किया कि क्यों ना कि आप भी वैश्विक तौर पे अपनी उपस्थिति रखते हैं और अलग अलग क्षेत्र में आपका ज्ञान असीमित है या चरम पे है, तो यू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड फंक्शन एज अ रेस्पेक्टेड जूरी। यही पहली बार हो रहा है कि किसी कॉन्सेप्ट को लेकर और जूरी का चयन किया गया है, तो मैं अभी आपकी मुलाकात हमारी रेस्पेक्टेड जूरी से करूँगा। वर्ल्ड आइकन अवार्ड में एक्चुअली हम लोगों की जो संख्या है, जैसे हम जब दुबई हम लोगों ने किया था तो कुल 24 लोगों को सम्मानित किया, बैंकॉक हमने किया था तो 28 के आसपास लोग थे, और ये संख्या इसको हमने संख्या में नहीं बांटा क्योंकि वैश्विक तौर पे किसी भी एक लोगों को आप संख्या में बांट दीजिए तो अगर एक कंट्री से, हम तो मान के चलते हैं कि हमारे सारे कंट्री से लोग आएंगे, तो एक कंट्री से एक कोई माने तो करीब 300 के आसपास लोग होते हैं, तो इसलिए इसको हमने संख्या में नहीं बांटा। तो वर्ल्ड में कौन कौन से, भारत भी शामिल होगा या नहीं? डेफिनेटली भारत होगा और भारतीय ज़्यादा ही होंगे क्योंकि हम लोग भारतीय मूल के हैं और हम तो अपने आप पे गर्व अनुभव करते हैं कि हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा या संदेश है विश्व, और हम देखा जाए तो हम मिडिल में हैं, उधर से भी कोई आएगा तो हमसे होके जाना है उसको और उधर यूएस से भी कोई आएगा तो हमसे होके जाना है, तो हम दोनों जो छोर हैं दुनिया के उनको कनेक्ट करते हैं, हृदय स्थल हैं हम लोग, तो डेफिनेटली हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे लोग हमसे ज़्यादा टच में रहते हैं, लेकिन वैश्विक तौर पे दुबई में जब हम थे तो करीब 16 कंट्रीज के लोग आए थे, और थाईलैंड में थे तो थाईलैंड में करीब 17-18 कंट्रीज के लोग थे, और इस बार मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा करीब 25-26 कंट्रीज के लोग इससे जुड़ेंगे। फोकस किस पे रहेगा कि जो भारतीय मूल, जो एनआरआई है भारतीय मूल, वो तो हम सी भारतीयों एनआरआई पर फोकस तो हमारा जो हम टॉप 50 इंडियन अवार्ड करते हैं तब करते हैं क्योंकि वो इंडियंस के लिए है, इस पर हमारा फोकस वैश्विक जनसमूह पे रहता है, चाहे वो चाइना से हों, चाहे बैंकॉक थाईलैंड से हों, या सिंगापुर से हों, दुबई से हों, मॉरिशस से हों, तो हमारा उस पर ज़्यादा फोकस। यही इस कार्यक्रम की बहुत खूबसूरती भी है कि टॉप 50 में जैसे हम लोग, जैसे दुष्यंत जी सिर्फ इंडिया से जो लोग हैं उन लोगों को सम्मानित करते हैं, और इसमें पूरे विश्व के लोगों को एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ही बहुत बड़ी बात है। सो तो वो समाज सेवक हो, डॉक्टर हो, खेलकूद में हो, जो भी किसी भी क्षेत्र से, अवार्ड को मेरा ये मानना है कि हम कैटेगराइज नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब एक आदमी मकाम पे होता है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ मकाम पे होता है तो आप उसको कवर करते हैं, आप उनको प्रमुखता देते हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि नहीं आज अगर रेस्पेक्टेड मीडिया तो वो सिर्फ डॉक्टर्स को ही कवर करेंगे, तो यही मेरा मानना है सेम एप्लीकेबल, क्योंकि ये भी सम्मान ही है, आप अगर कल हमारी न्यूज़ निकालेंगे तो ये हमारे लिए, ये ड्यूटी नहीं है आपकी, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे आना ये सम्मान की बात है, जो लोग नामवर होते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं को आप स्पेस देते हैं अपने यहाँ पे, तो मैं इसीलिए मैं अपने किसी अवार्ड फंक्शन को, चाहे वो टॉप 50 हो या वर्ल्ड आइकन अवार्ड हो या इवन शौर्य तो हमारा पुलिस वालों को समर्पित था, शहीदों को, तो मैंने किसी क्राइटेरिया में नहीं बांटा कभी किसी अवार्ड फंक्शन को, मुझे लगता है कि ये क्षेत्र विशेष में है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके कार्यों से लोग सीख सकते हैं, तो हम उन्हें अप्रोच करते हैं या हमारे जूरी के थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू वो हमको अप्रोच करते हैं और हम कोशिश करते हैं हम उनके साथ जुड़े। जूरी मेंबर के काफ़ी टफ नहीं लग रहा कि वर्ल्ड जितने वो आवेदन आएंगे और कैसे क्या करोगे आप लोग, इन्हें चुनने के पीछे नहीं, या कहीं बहस होगी आपकी जिसके पहले दुबई में हुआ धन हुआ, कहीं बहस हुई इसको लेंगे इसको लेंगे? नहीं, मैं आपका पहले तो तारुफ करा दूं एज ए जूरी मेंबर, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल टैरोट मास्टर पूजा माथुर जी, आप इनको जानते हैं लेकिन मैं फिर आपका परिचय कराता हूं, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु सिंह और इंटरनेशनल कॉस्मिक हीलर प्रदीप चांदी रमानी जी। स्पेशली इस बार वर्ल्ड आइकन अवार्ड में हम लोगों ने इनका एक प्रोग्राम आ रहा है टेलीविज़न पर, सुनो पार्थ, तो ये सुनो पार्थ की जो खूबसूरत टीम है तीन लोगों की, इनको मैंने अनुरोध किया कि आप वर्ल्ड आइकन अवार्ड को एज एन ए जूरी आप जुड़िए, क्योंकि मेरा ये मानना है अपने अपने प्रोफेशन में ये सभी बहुत मेहनत करते हैं, सभी फेमस भी हैं, जाना पहचाना चेहरा भी हैं, साथ ही साथ इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनकी नॉलेज सक्षम है कि ये जानने में कि कौन आदमी सही है या कौन गलत है या कौन डिजर्विंग करता है। एज एन ए कॉस्मिक हीलर प्रदीप जी बहुत सेशन करते हैं, बहुत लाइव सेशन करते हैं, कॉन्क्लेव करते हैं। रितु जी देश विदेश सफ़र करती हैं, बहुत लोगों से मिलती हैं रोज़ाना। पूजा जी सफ़र करती हैं, मिलती हैं रोज़ाना, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हम इनके एक्सपीरियंस का, इनकी पॉजिटिविटी का और इनके ऑरा का, और इनकी डेफिनेटली एक लुकिंग भी आप देख रहे होंगे तीनों बड़े खूबसूरत दिखते हैं, तो उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकें, तो इसीलिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली, मैं तो इस शो को डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ जूरी, तो
इसीलिए हमने सोचा, हमने कहा इनका इनसे अनुरोध किया एंड दे एक्सेप्ट दैट थिंग, तो नाउ दे आर ऑफिशियल जूरी ऑफ वर्ल्ड एकन अवार्ड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी देश विदेश घुमा हूँ, पर लेकिन जो इनकी एनर्जी के साथ घूमना है वो अलग ही है। ये इनको लगता है कि लोग हमसे सीखते हैं, बस ट्रूली ऑनर्ड कि हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि जो इनके अंदर जो ऊर्जा है वो एक अलग लेवल पे। और आज देखिए कि हम वर्ल्ड एकॉन आइकॉन अवार्ड के जूरी मेंबर हैं, सच अ बिग प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड सो ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स दुष्यंत जी का, और इन्होंने जो इतनी बड़ी इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है तो उसको लेकर हम लोग एक्साइटेड तो हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं कि इसमें हमसे सिलेक्शन में कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, और बहुत ईमानदारी के साथ हम जो लोग वाकई योग्य हैं वर्ल्ड आइकन अवार्ड के लिए उनका ही चुनाव कर सकें। और इस बारे में हम तीनों में बहुत बातें भी होनी शुरू हो गई हैं और ऑब्वियसली डिस्कशन भी होगा, और कभी कभी हो सकता है कि हम एक दूसरे से सहमत भी हो और ना सहमत भी हो, तो बस उसी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करें यही चाहते हैं, और बाकी ऐसे लोगों का चुनाव करें जिनके जीवन से और लोगों को शिक्षा मिल सके या उनके जीवन को फॉलो करके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो सके। बिल्कुल, जैसा ऋतु जी ने कहा मैं भी यही बात मानती हूँ कि दुष्यंत जी ने बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज ए सारथी बनके हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है उसको निभानी पड़ेगी और हम लोग ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि मैं भी ये समझती हूँ कि अगर ये इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी चीज़ जो ये कर रहे हैं अपनी एनर्जीज के साथ में, उसमें ज़रूर हम लोग उनकी कसौटी पर खड़े उतरेंगे और हम वैसे वर्ल्ड आइकॉन को लेकर आएंगे जो वाकई में डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, कुछ विशेष इस बार करना है ये सोचा हुआ है, जो लास्ट हमने दुबई में किया, बैंकॉक में किया, कुछ न कुछ लोग जो रह गए हमने उस टाइम पर नहीं हो पाया था, तो ऐसा चाह रहे हैं कि वाकई में जो लोग जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मंच उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं समाज के लिए और उनको बहुत सम्मानित किया जा रहा था, है और आगे भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी प्रतिभा या जिनके कार्य अभी हमारे समाज के सामने नहीं आ पाए, बहुत छुपे हुए हैं वो लोग, और लेकिन अपने कार्य को बहुत निष्ठा के साथ कर रहे हैं पूरी ईमानदारी, तो हमारा ये प्रयास रहेगा इस बार ऐसे कुछ लोगों को लेकर आपके सामने आए। ऐसा तो नहीं, लेकिन हम एक दूसरे से सहमत जरूर कर लेंगे, हम लोग एनर्जी देखेंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम लोग इनके जो एक्सपीरियंस है, जो इनका जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम या इनका जो कम्युनिकेशन की पावर है उसका हम लोग इनकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करेंगे हम लोग इस अवार्ड फंक्शन में। इसके अलावा जैसे कि पिछले सीजन से हमारे देश विदेश के जाने माने नाम एज एन जूरी जुड़े हुए, तो डेफिनेटली वो तो हमारे पैनल में है, हम लोग उनसे भी डिस्कस करेंगे, जैसे संतोष भारती हो गए, अजय भाम्बी हो गए, डॉक्टर कश्मीर चौधरी हो गए, ये जो देश की धरोहर हैं ये लोग, तो वो तो जुड़े हुए हैं हम लोगों से, बट जो एक्सक्लूसिव इस बार जो हम लोगों ने जिम्मेदारी है वो एक तरह से एक नई ऊर्जा को भी दी है कि भाई आप हमको पूरा एक्सट्रीम मैके सपोर्ट कीजिए। कैसे संपर्क करें आपसे, जो मुझे मैं वर्ल्ड में कहीं कोने में हूँ, आप इसीलिए तो हमने आपको बुलाया आज कि ऐसे संपर्क करना होगा आवेदन करने के लिए प्रॉपर, हम इसका एक गेटवे बना रहे हैं इसका अवार्ड फंक्शन का सोशल मीडिया पे बाकी जगह पे, और प्रॉपरली हम लोग उसको बूस्ट करेंगे थ्रू पब्लिसिटी, जैसे होता है लोग फाइंड करते हैं वर्ल्ड आइकन अवार्ड की, इस समय जो गूगल पे जो रीच है, आप अगर डेस्कटॉप पे मोबाइल पे तो नहीं दिखाता, वो मेरे ख्याल शायद 3,96,00,000 के आसपास है, मैं चेक कर रहा था, लोग दे आर फाइंडिंग अबाउट द वर्ल्ड आइकन अवार्ड, और टॉप 50 तो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी लगाए थे अपने सोशल मीडिया पर, आई डोंट नो आप में से कई लोग जुड़े होंगे, वो 5 करोड़ से ऊपर जा चुका है उसका टॉप 50 यानी कि अवार्ड्स का गूगल पे जो सर्च है, क्योंकि हम लोग ने अपना कोई गेटवे ऐसा नहीं बनाते कि हम लोग अपनी वाह वाह करें, हमें लगता है कि आप हमारे बारे में लिखें वो ऑर्गेनिक होगा, तो लोगों को एक ट्रुथ पता लगता है कि व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, तो गेटवे हम इसका बनाएंगे। थैंक यू सो मच।